मैं पली बड़ी यूपी में हूँ पैदाइशी बिहारी हूँ मेरे पापा पंजाब से हैं मेरी नानी केरला से हैं अच्छा। और मेरे नाना जो थे कश्मीर से हैं तो पैन इंडिया तो हूँ ही मैं आई डोंट नो मुझे आई थिंक पंजाबी से ज़्यादा महाराष्ट्रियन लोग समझ समझते हैं प्रियंका चोपड़ा का नाम लेते ही <laughs> चेहरे पर आता है नूर वाह वाह वा, अब मैं करूं

अरे यार पता नहीं क्या खाया था मेरी माँ ने जब मुझे पैदा किया था <laughs> लेकिन मेरा चॉइस है कि मैं यू you नो know, दो कंट्रीज में दो एक्टिव करियर्स रखूं, तो उसके लिए थोड़ा प्राइस तो थो पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी की वजह से कि प्रियंका चोपड़ा <laughs> I'm I'm just so happy happy for that. I'm really happy to be back as well. कैसी रही वो फीलिंग आई थिंक मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं था कि बारह साल बाद फिल्म बनी है और इसकी कास्टिंग में पहले ये थे और अब हम ऐसा कोई सोचता नहीं है Um, सबसे पहले कास्टिंग मेरी हुई थी क्योंकि uh, मैं मेरी कॉम की शूटिंग कर रही थी संजय सर के साथ उस उस वक्त तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट डूइंग इट आई थिंक मैंने कभी इम्पोर्टेंस uh, नहीं दी है इस बात को कि फिल्म किस किस के पास गई है कौन करने वाला था क्रेडिट्स पे जिसका नाम होता है फिल्म उसकी होती है बहुत बड़ी बात कही आपने कहा कि आपने uh, अलग अलग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए किएच इज़ ट्रू लेकिन ये जो मराठी मुर्गी का कैरेक्टर आप प्ले किए आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम यूर प्लेंग ये मराठी कनेक्शन क्या है आपका और इतनी बखूबी आपने निभा ली थी आई डोंट नो मुझे आई थिंक पंजाबी से ज़्यादा महाराष्ट्रियन लोग बस समझ समझते हैं बट um, uh, मेरा काम है एज एन एक्टर टू बी एबल टू अपने आप को ढाल लेना किसी भी कैरेक्टर में किसी भी रीजन में या नेशनैलिटी में आई एम अनफॉर्चुनेट कि मुझे आई थिंक मुंबई में रहकर महाराष्ट्र कल्चर समझ में आया है शायद महाराष्ट्र का एक बड़ा स्वीट बॉडी लैंग्वेज होता है सर बहुत हिलता है हाथ बहुत हिलते हैं दे वेरी एनिमेटेड गर्ल्स आप साइमल्टेनियसली शूट करी थी मतलब आप एक इंग्लिश एक्सेंट था अमेरिकन अमेरिकन एक्सेंट पकड़ना पड़ा फिर आप यहाँ पर आई महाराष्ट्र पकड़ना पड़ा कभी ऐसा नहीं हुआ कि एलेक्स पैरश बन गई थी काशी भाई और काशी भाई बन गई थी एलेक्स पैरिश ऐसा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कभी हुआ नहीं मेरा काम है अभी तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कैसे किया ये यस इट इज़ ट्रू की मैंने uh, क्योंकि मैं क्वांटिको की शूटिंग कर रही थी अमेरिका में और बाजीराव के काफ़ी पार्ट्स बचे हुए थे सो आई एज कम बैक ऑन द वीकेंड्स और यहां पे शूट करती थी तो कभी कभी मेरा खुद का एक्सेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि मेरा क्या एक्सेंट है क्योंकि काशी इज महाराष्ट्र एंड एलेक्स इज अमेरिकन तो आई बिकेम अ ब्रो मोगी एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मैंने आपका नया जो ट्रेलर है वो देखा अब यूपी वाली एक्सेंट <laughs> मतलब आप तो पूरा पैन इंडिया कर रही हैं ये ये स्विच कहाँ से आता है आपका एक्सेंट मैं पली बड़ी यूपी में हूँ hmm. पैदाइशी बिहारी हूँ मेरे पापा पंजाब से हैं मेरी नानी केरला से हैं अच्छा। और मेरे नाना जो थे कश्मीर से हैं hmm. तो पैन इंडिया तो हूँ ही मैं तो ये साउथ का कब आएगा क्योंकि मेरा आपका साउथ का कनेक्शन हो सकता है थोड़ा नो बड़ी कास्टिंग में एज अ मल्लू मैं तो एम अ फुल मल्लू मेरे बाल मल्लू है मेरा ब्रेन मल्लू है अच्छा मतलब uh, आपके घर में गोल्डफिश है एक गोल्डफिश तो होना चाहिए आपके घर में अगर आप थोड़ा सा मडलीय है तो मेरी नानी अभी भी आप आप ऐसी बात करती है ना मैथ तो में बड़े वेरी वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट होते हैं मैं मैं मैथ्स में आई मीन आई वाज आई वाज मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट हां हां एंड मैं अभी भी आई डोंट नो इफ आई शुड एडमिट दिस मैथमेटन डिलीवरी एक ऐप है हां हूएवर लाइक्स मैथ्स ओके ओके तो इंटीग्रेशन अलजेब्रा या सिंपलीफिकेशन फैक्टराइजेशन व्हाटएवर यू वांट टू डू